दो हस्बैंड वाइफ बोट लेकर समुद्र में घूम रहे होते हैं, तभी इनकी नजर सामने एक आइलैंड पर पड़ती है। दोनों ही आइलैंड को देखकर काफी खुश होते हैं और वहां जाने का प्लान बनाते हैं। आइलैंड पर पहुंचने के बाद आदमी अपनी बोट को संभालने लगता है और वहीं उसकी वाइफ अकेली ही आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाती है। वो आइलैंड में घूम ही रही होती है कि कुछ ही देर बाद वो किसी अनजान चीज का शिकार हो जाती है। आदमी को उसकी वाइफ की चीखें सुनाई देती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। कुछ दिनों बाद जॉन और मैट नाम के दो भाई अपने कुछ दोस्तों के साथ इस आइलैंड पर छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। यह आइलैंड और किसी का नहीं बल्कि उनके अंकल का था जो कि अब मर चुके हैं। आइलैंड पर पहुंचने के बाद ये लोग अपने प्लेन को डॉक पर लगा देते हैं और उसके बाद ये लोग अपने अंकल के बनाए हुए घर में चले जाते हैं। अगले दिन यहाँ पर एंजॉय करते समय इन्हें यहाँ पर एक प्यारा सा पपी मिलता है जिसे वो अपने साथ रख लेते हैं, मगर रात को वो कुत्ता इनके घर से भाग जाता है। सारा और जॉन उसे भागता देखकर उसका पीछा करते हैं। उसे ढूंढने के बाद सारा उसे अपनी गोद में उठाने लगती है, मगर तभी वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर एक जंगली कुत्ता भी मौजूद है। देखते ही देखते वो कुत्ता सारा के पैर पर काट लेता है, मगर जॉन उसे जैसे तैसे वहाँ से बचाकर वापस घर ले आता है। सारा और उसके फ्रेंड्स इस हादसे को नॉर्मल समझकर इसे यहीं पर टाल देते हैं और आराम से सो जाते हैं। मगर अगले दिन जब ये लोग दोबारा से पानी की तरफ जाने लगते हैं, तभी इनके सामने वो आदमी आ जाता है जो कि फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया गया था। वो आदमी इन्हें चेतावनी देता है कि जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाओ, ये जगह सुरक्षित नहीं है। तभी अचानक से वहाँ पर कुछ जंगली कुत्ते आकर उस आदमी पर हमला कर देते हैं और वो उन सब लोगों के सामने ही उस आदमी को जिंदा खा जाते हैं। ये देखकर ये सब लोग डर जाते हैं और वापस अपने घर की तरफ भागने लगते हैं, मगर तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। ये लोग देखते हैं कि काफी सारे जंगली कुत्तों ने इनके घर को चारों तरफ से घेर लिया है। ये लोग घर के अंदर जा ही रहे होते हैं कि तभी एक कुत्ता निक्की के पैर को पकड़ लेता है। ये देखकर जॉन उसे बचाने के लिए एक तीर से हमला करता है, मगर उसका निशाना चूक जाता है और तीर सीधा निक्की के पैरों में लग जाता है। मगर इसके बाद भी सब लोग निक्की को बचाकर जैसे तैसे घर के अंदर चले जाते हैं। ये लोग अब देखते हैं कि काफी सारे कुत्ते उनके घर को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ये लोग उस घर को तुरंत छोड़ने का फैसला करते हैं। तभी ये देखते हैं कि कुत्तों ने इनके सी प्लेन की रस्सी को काट दिया है और इनका प्लेन बहते हुए समुद्र की तरफ जा रहा है। जॉन ये देखकर तुरंत पानी में कूद जाता है। वो प्लेन को रोकने के लिए तैर कर उसकी तरफ जा रहा होता है कि तभी वो देखता है कि दो डॉग्स प्लेन के ऊपर बैठे हुए हैं। जॉन ये देखकर घबरा जाता है और वो कुत्ते भी उसे देख लेते हैं। उसे देखने के बाद कुत्ते तैरते हुए उसकी तरफ आने लगते हैं और ये देखकर जॉन भी वापस घर की तरफ मुड़ जाता है। कुत्ते उस पर हमला करने के लिए बड़ी तेजी से उसकी तरफ आ रहे होते हैं, मगर जॉन भी बड़ी तेजी से तैरता हुआ वापस घर तक पहुंच जाता है। अब जॉन और उसके साथी वापस घर के अंदर बैठे हुए हैं। इधर सारा का बर्ताव कुत्ते के काटने की वजह से काफी बदल जाता है। उसके साथियों को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर इसके साथ ये हो क्या गया। अब ये लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। तभी इन्हें याद आता है कि इनके अंकल का इसी आइलैंड पर एक ट्रेनिंग कंपाउंड भी है, जहाँ पर जाकर ये लोग रेडियो से मदद मांग सकते हैं। कंपाउंड में जाने के लिए ये लोग निक्की को एक रस्सी के सारे बगल वाली गैरेज में भेजते हैं ताकि निक्की वहाँ से एक कार को ला सके। निक्की रस्सी के सारे गैरेज में पहुँच जाती है। निक्की वहाँ पर रखी कार को स्टार्ट करने लगती है, मगर वो कार स्टार्ट नहीं होती और कुछ ही देर में वहाँ पर वो जंगली कुत्ते आ जाते हैं। निक्की कुत्तों से बचने के लिए रस्सी के सारे वापस घर में आ जाती है। सारा टेंशन कम करने के लिए ये लोग रात में दारू पार्टी करने लगते हैं, मगर तभी लाइट चली जाती है। नोवा लाइट सर्किट चेक करने के लिए बेसमेंट में जाता है, मगर उसे ये पता नहीं होता कि कुछ जंगली कुत्ते वहाँ भी घुस चुके हैं। वो सारे कुत्ते नोवा के आते ही उस पर हमला करके उसे जान से मार देते हैं। नोवा को मारने के बाद वो सारे कुत्ते वहीं से घर के अंदर भी घुस जाते हैं। अंदर घुसते ही वो लोग सब पर हमला कर देते हैं, मगर ये लोग तुरंत वहाँ से भागकर छत पर आ जाते हैं। इन्हें छत पर इनके अंकल के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिनमें लिखा होता है कि ये जगह पहले एक आर्मी कैंप थी जहाँ पर कुत्तों पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे, मगर कुछ कारणों की वजह से वो कैंप बंद कर दिया गया, जिसके बाद से इस पूरे आइलैंड पर इन जंगली कुत्तों का कब्जा हो गया। अब अगले दिन मैट और जॉन उस कार को दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और इस बार वो कार स्टार्ट हो जाती है। कार स्टार्ट होते ही ये लोग निक्की और सारा को लेने के लिए घर की तरफ निकल जाते हैं, मगर घर पहुंचते ही निक्की इन्हें बताती है कि सारा वहां से जाने के लिए रेडी नहीं हो रही। निक्की की बात सुनकर जॉन सारा को मनाने के लिए घर के अंदर जाता है। ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक जंगली कुत्ता आ जाता है। उस जंगली कुत्ते को देखकर सारा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से भागने के बजाय
वो उल्टा उस कुत्ते पर हमला कर देती है और इस लड़ाई में सारा खिड़की से नीचे गिरकर मर जाती है। सारा के मरने के बाद मैट, जॉन और निकी कंपाउंड की तरफ निकल जाते हैं, मगर कंपाउंड पहुंचने के बाद इन्हें पता चलता है कि एंटीना पावर सप्लाई से डिस्कनेक्टेड है। इसके बाद जॉन एंटीना को पावर सप्लाई देने के लिए बाहर लगे एक टावर पर चढ़ जाता है। अब जैसे ही जॉन एंटीना को पावर सप्लाई से कनेक्ट करता है, वैसे ही उसे एक जोरदार झटका लगता है और वो टावर से नीचे गिर जाता है। जॉन के नीचे गिरते ही कुछ जंगली कुत्ते आकर के उस पर हमला कर देते हैं, मगर तभी उसे बचाने के लिए वहाँ पर मैट आ जाता है। मैट अपने बेसबॉल बैट की मदद से उन कुत्तों को मारकर वहाँ से भगा देता है। इधर कम्युनिकेशन रूम में अचानक से पावर सप्लाई कनेक्ट होने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वहाँ पर आग लग जाती है। निकी इस आग का फायदा उठाकर कुछ जंगली कुत्तों को वहीं पर जलाकर मार देती है। आग की वजह से कंपाउंड के अंदर काफी जोर का धमाका होता है, जिसकी वजह से कुत्ते कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं। इसी बीच जॉन मैट को बताता है कि उसने समुन्द्र के किनारे पर एक बोट को देखा है और वो लोग उसी बोट की मदद से वहाँ से भाग सकते हैं। तभी कुत्ते वापस हरकत में आने लगते हैं, मगर वो कुत्ते इन तक पहुँचते इससे पहले निकी वहाँ पर कार लेकर आ जाती है। ये लोग कार को बिना रोके ही सीधा समुद्र में गिरा देते हैं और फिर जल्दी जल्दी तैर कर बोट तक पहुँच जाते हैं। ये लोग फाइनली यहाँ से बचकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।